बॉलीवुड के सलमान यानी कि भाईजान जी। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अब वो राधे लेकर इसी साल आने वाले हैं। 13 मई को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक शॉकिंग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम रिवील करने वाले हैं कि आखिर सलमान खान और प्रभु देवा इस मूवी के लिए कितनी फीस ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सलमान खान ने तो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली फीस ली है, जो कि है पूरे 50 करोड़ रुपए की। दोस्तों आप सब तो जानते ही हैं कि किस तरीके से सलमान खान और जो भी बड़े एक्टर्स हैं वो कुछ फीस लेते हैं, और बाद में जब वो मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल जाती है तो उसके अंदर से प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रभु देवा आए हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीस लेते हुए नज़र आ रहे हैं राधे को डायरेक्ट करने की, और वो फीस है 10 करोड़ रुपए की। दोस्तों राधे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मच अवेटेड मूवी होने वाली है, जो कि सभी फैंस के दिल में बस सकती है। यहाँ पर सभी ये चाहते थे कि वांटेड का दूसरा पार्ट आए, और यही एक तरीके से राधे लेकर आ रहे हैं प्रभु देवा और सलमान खान। यहाँ पर सलमान खान ने ये अनाउंस किया था कि वो ईद पर आएंगे, ये बात है 2020 की, लेकिन 2020 में पैंडमिक की वजह से वो प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार दोस्तों आपको बता दें कि वो 2021 के अंदर ईद पर ही आ रहे हैं, और इस बार धमाका तो होना बनता है। लेकिन अब आपका इस पर क्या कहना है कि सलमान खान की जो फीस है, क्या आप उसको सुन के चौंके हैं या नहीं? कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।